वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित जो भाषण प्रतियोगिता करवाई जा रही है, उस विच मेरे बोलण का विशा है श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन अते उन्हां द्वारा रची बाणी। गुरु नानक साहिब की गद्दी के 9वें वारस श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने समय के महान तपस्वी, महाविद्वान, तेग दे धनी, हिंद की चादर, सच्चे पातशाह, सारगी ते सेवा दे पुंज होए सन। प्रसिद्ध कवि सेनापति आप बारे लिखता है, प्रगट पाए गुरु तेग बहादुर, सगल सृष्ट पे ढापी चादर, करम धर्म की जिन पत राखी, अटल करी कलयुग में साखी। आप जी का जन्म 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब के ग्रह विखे माता नानकी जी की कुखों 1621 ईस्वी नूं अमृतसर विच होया। आप बचपन तो ही बैरागमई रुचि वाले सन। आप दा ब्याह सुल्तानपुर निवासी श्री लाल चंद की सपुत्री गुजरी जी नाल होया। 11 अगस्त 1664 ईस्वी विच आप गुरगद्दी ते विराजमान होए। 1666 ईस्वी विच पटने विखे आपके ग्रह विखे बाल गोबिंद राय का जन्म होया। इत्थे आपने काफ़ी समा प्रचार किया। 1668 ईस्वी विच आप आनंदपुर आ गए, इत्थे भी आपने धर्म प्रचार किया। 1672 ईस्वी विच आपने अपने परिवार को आनंदपुर बुला लिया। 1675 ईस्वी विच कश्मीरी पंडितों के धार्मिक संकट को खत्म करने लई आप अपने कुछ सिख सेवकों, जिन्हां विच भाई मतीदास ते भाई दयाला जी सन, नूं नाल लैके दिल्ली वल चल पए। आप दे समकाली कवि केशव भट्ट आप बारे लिखते हैं, बाहें जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजै बाहें ना छोड़िए, तेग बहादुर बोलिया, धर पइए धर्म ना छोड़िए। आप दे सिख सेवकां नूं बड़े तसीहे दे के शहीद किया गया। औरंगजेब ने आप नूं मुसलमान बनने लई अनेकां पेशकशां कीतियां, पर आपने उस दी हर पेशकश नूं ठुकरा दिता। नतीजे वजों 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं कोतवाली दे नेड़े दिल्ली दे चांदनी चौंक विच आप नूं शहीद कर दिता गया, जिथे गुरद्वारा शीशगंज साहिब सुशोभित है। भाई लक्खी शाह बणजारा ने आप दे धर दा संस्कार अपने ग्रह नूं अग्न भेट करके किया, जिथे गुरद्वारा रकाबगंज साहिब है। भाई जैता जी ने बड़े अदब नाल आप दे सीस नूं इक चादर विच लपेटिया ते आनंदपुर बाल गोबिंद राय नूं भेट किया। बाल गोबिंद राय ने बड़े अदब सत्कार नाल आप दे सीस दा संस्कार किया अते भाई जैता जी नूं गल नाल ला लिया अते उसनों रंगरेटा गुरु का बेटा का दर्जा दिता। आप जी की अदुत्ती शहादत बारे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी विचित्र नाटक विच लिखते हैं, तिलक जंजू राखा प्रवताका, कीनो बड़ो कलू में साका, साधन हेत इति जिन करी, सीस दिया पर सी न उचरी, धर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिर न दिया, सीस दिया पर सिर न दिया। आपने समय समय से अपनी भावनावां नूं प्रगट करन लई रूपकारक दृष्टि तो शब्द ते श्लोक रचे। आपने 15 रागां विच 59 चौपदियां की रचना की। आपने 57 श्लोक लिखे जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंत विच संकलित हैं। आपने मनुख नूं वासनावां तो रहत रहन लई प्रेरिया है। आप जी ने फरमाया है, तीर्थ वर्त अरदान कर, मन में तरै गुमान, नानक निहफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। आप जी ने ब्रज भाषा विच अपनी बाणी रची। आप जी ने प्रतीकां अते बिंबावली की वरतों की। आप जी की बाणी गुरमत सिद्धांतों का विस्तार करती है। आप जी की बाणी विच दो पक्ष उगड़ के सामने आते हैं, बैराग की भावना ते भगती की भावना। आप जी ने मनुख नूं फरमाया है कि प्रभु भगती तो बिना मनुख का जीवन नाशवान है। अंत विच असी ये कह सकते हाँ कि गुरु तेग बहादुर जी सच्चे धर्मी होए हैं। वो हिंद की चादर ही नहीं सगों धर्म की चादर भी हैं। सच्चे धर्म ते धर्मी की परिभाषा उन्हां दे जीवन इतिहास अते उन्हां द्वारा रची बाणी तो मिलती है। आओ आपां गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल मनाते हुए उन्हां दे जीवन तो सेध लईए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।